बाबा बंदा सिंह बहादुर अंतरराष्ट्रीय फाउंडेशन बैरागी महामंडल पंजाब वालों लुधियाना के श्री अमृतसर साहब तक कढ़ी गई धार्मिक यात्रा जो श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400 साल प्रकाश पुरब को समर्पित है दे जीरा विच पहुंचन मौके शहर दियां वख वख धार्मिक समाजिक ते पतवंते सज्जना वालों प्रभा स्वागत किया गया। इस मौके कृष्ण कुमार बाबा प्रधान बंदा सिंह बहादुर अंतरराष्ट्रीय फाउंडेशन ने गलबात करदियां दस्या कि यह यात्रा जिथे गुरु तेग बहादुर जी के आगमन पुरब को समर्पित है उत्थे ही किसानी संघर्ष नूं समर्पित है। यात्रा का मुख उद्देश पंजाब वासियां नूं गुरु साहिबाना वालों दर्शाए गए मार्ग से चलन की प्रेरणा देना है। इस मौके मास्टर गुरप्रीत सिंह जज ते उन्हां दी पत्नी साबका प्रधान नगर कौंसल जीरा सरबजीत कौर वालों कृष्ण कुमार बाबा ते उन्हां दे साथियों नूं सरोपा पा के सन्मानित किया गया। तिलक राज बाबा वालों आए हुए शहर वासियां ते पतवंते सज्जना का धन्यवाद किया गया। फिरोजपुर तो गुरप्रीत सिंह भुल्लर की रिपोर्ट। असी अज बंदा सिंह बहादुर फाउंडेशन प्रधान कृष्ण कुमार बाबा जी जिहड़े अज पिंड रकबे तो यात्रा लैके हरिमंदर साहब जा रहे सी अज उन्होंने जीरा शहर विच जदों पहुँचे सानू सेवा का मौका मिलिया। असी उन्हां दे संगत दी सेवा की परमात्मा सानू सेवा लेखे लावे ते असी आने वाले समय में साडा पिता श्री नरेंद्र बाबा सरबत बरागी महामंडल वो स्वर्गवासी उन्होंने जो मंडल बनया उन्होंने वध चढ़ के हिस्सा पाया इनू मंडल नू लागू किया ते अज सानू गां उन्हां दी सिक्ख्या ते असी प्यो दी सिक्ख्या ते माता पिता दी सिक्ख्या ते असी अज वो सेवा दा मौका लिया ते सारे परिवार बाबा परिवार ने सेवा की ते परमात्मा सानू सेवा लेखे लावे। गुरु रामदास सच्चे पातशाह कृपा करे चढ़दी कला रखे सारे परिवार की। वाहगुरू जी की खालसा श्री वाहगुरू जी की फतेह। अज यात्रा बाबा श्री गुरु तेग बहादुर जी नौवें पातशाह उन्होंने 400 साल प्रकाश पुरब से बाबा बंदा सिंह बहादुर पवन रकबा तो ये शुरू की गई है अते महान योधे जरनैल किसानी दे मुक्तिदाता अज दे किसानां नूं मुजारियां तो जमीनां दे मालक बनाउण वाले बाबा बंदा सिंह बहादुर जी दे 351वें जन्म उत्सव ते उन्हां दी नूं भी याद किया गया अते किसानी संघर्ष नूं बुलंदियां ते पहुँचाउंदी ये यात्रा लोगों के एक मैसेज लैके जा रही है जिथे श्री गुरु तेग बहादुर जी जिन्हां ने श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जिन्हां ने 9 साल की आयु दे विच उन्हां नूं कहा कि अज तुहाडी शहादत की जरूरत है। अज गुरु तेग बहादुर जी की शहादत उन्हां दी लामिसाल है अते अज उन्हां दा जन्मदिन असी 400 साल दिहाड़ा मना रहे हैं जिहड़ा कि अज हरिमंदर साहब अते वख वख इतिहासिक स्थानां ते हुंदे होए गुरद्वारा सीसगंज दिल्ली विखे असी उत्थे 20 तारीख नूं वड्डा समागम करांगे अते उत्थे बाबा बंदा सिंह बहादुर जी दे शहीदी स्थान ते महरौली विखे भी जावांगे। उस तों बाद जत्थे दी इहदी समाप्ति 21 तारीख सवेर तक होएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा श्री वाहिगुरू जी की फतेह। वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। ये जड़ा आज दा बड़ी प्रेम आई यात्रा जी चेतना मार्ग चलता पाया बाबा बंदा सिंह बहादुर पवन रकबा तो प्रारंभ होया अज कृष्ण कुमार बाबा जी जिहड़े कि मुख दे जिम्मेवार ने इन्हां दे मुख हैड ने उन्हां दा प्रेम करके सारे वख वख तरह के संत महापुरश वख वख संस्थावां नूं उन्होंने इकट्ठा किया। ये जिहड़ी यात्रा है ये जिथे बाबा बंदा सिंह बहादुर की याद में चल रही है उत्थे धन धन गुरु तेग बहादुर महाराज जी के 400 साल शताब्दी नूं भी समर्पित है ते इहदे नाल नाल ये किसानां दीआं समस्यावां नूं भी समर्पित है यात्रा। ये यात्रा जिहड़ी हुण इत्थों श्री अमृतसर दरबार साहब दे विच रात दा विश्राम है इस तो अगे ये जिहड़ी यात्रा है ये डेरा बाबा नानक गुरदास नंगलगढ़ी और बटाला साहब ते बाबा बकाला जाके रुकना है ते उस तो अगे फिर ये यात्रा जिहड़ी चप्पड़चिड़ी दे मैदान चों हुंदी हुई फतेहगढ़ साहब जाके ठहरेगी ते फतेहगढ़ साहब तो अगे ये यात्रा सिंघू बॉर्डर दिल्ली विच पहुँचनी है ते सिंघू बॉर्डर दिल्ली तो इसका रात्रि विश्राम जिहड़ा है रकाबगंज गुरद्वारा साहिबान च है उस तो अगे सुबह 20 तरीक नूं ये यात्रा
ਇਹ ਬੜਾ ਚੇਤਨਾ ਮਾਰਚ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏਗਾ। ਉਪਰੰਤ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਦੀਵਾਨ ਸਜਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਹਿਰੌਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਟੀਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਵੱਲ ਦੀ ਇਹ ਵਾਪਸੀ ਰਵਾਨਗੀ ਪਾਉਣਾ। ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਅਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਔਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ 'ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਕਰਨ। ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।